वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते कि स्टॉक 81.40 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। स्टॉक 85 से डाउन है, आज 1% की गिरावट देखने को मिले। तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे आज देखा जाए तो थोड़ी सी वीक मूवमेंट यहाँ पे नजर आ चुकी है, पर न्यूज़ के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज़ है क्या। तो रिसेंटली देख सकते कि ओ एम सी लाइकली टू सी शॉर्ट टर्म बाउंस बैक ऑन इम्प्रूव क्वार्टर थ्री शोइंग। तो रिलायंस ओ एन जी सी ऑयल इंडिया टू बीपीसीएल वाई स्टॉइल वर्ल्ड स्टॉक्स विल बी इन फोकस टूडे। तकरीबन यहाँ पे रिसेंटली देखा जाए तो कोई खास अपडेट या न्यूज सामने नहीं दिखाई दे रही रिगार्डिंग यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक। तो रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन स्टॉक की आज की मूवमेंट देखी जाए तो जैसे ही ओपन हुआ स्टॉक ने 82 लेवल को ब्रेक डाउन किया और प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक डाउन करते हुए गिरावट देखने को मिले। पर नीचे 81 लेवल ने यहाँ पे आप देख सकते स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया, 81 लेवल पे सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट कैप 1.15 लाख करोड़ का है, पी रेशियो 9 का है और डिविडेंड यील्ड 10% का। लास्ट 5 डेज की भी बात की जाए स्टॉक के अंदर तो देख सकते हैं कोई खास मोमेंटम नजर नहीं आई है, पर वॉल्यूम के ऊपर नजर डाली जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम जो है 66 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। फिर यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम के साथ वैल्यू जो है 5,397 लाख की ट्रेडेड वैल्यू है। बाइंग के लिए देख सकते हैं कि 26 लाख है तो सेलिंग के लिए 37 लाख क्वान्टिटी पेंडिंग है। सेलिंग का जो प्रेशर है थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन भी देखे जाए तो क्वान्टिटी जो ट्रेडेड है 62 लाख, उसमें से 34 लाख जो है डिलीवरी के लिए जा चुके, कुल मिला के 55% क्वांटिटी नेक्स्ट डे होल्डिंग के लिए चले गए। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक यहाँ पे गिरावट होती है तो कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। 80 लेवल तो सपोर्टिव एक्ट हो जाएगी स्टॉक नीचे आता है तो, पर रिसेंटली देखा जाए तो ऊपर स्टेबल है, 80 लेवल के सपोर्ट लेके बाउंस बैक होता है तो फिर से ऊपर 84-85 लेवल तक जाने के चांसेस नजर आ सकते हैं।